नमस्कार, प्रणाम। सभी सहारा इंडिया निवेशकों एवं जमाकर्ताओं का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नई वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन विद पीके पर मैं हूं पिंकू कुमार प्रजापत और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद पीके। हमारे जितने भी सहारा के जमाकर्ता बंधु हैं, लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि 4-5 दिन से कोई आपके लिए खास खबर नहीं निकल कर आ रही है सहारा इंडिया मामले में। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट खबर इस वीडियो में आप सभी को हम एक वीडियो क्लिप के माध्यम से एकदम ओरिजिनल दिखाएंगे, जिससे कुछ आप लोगों को सहारा भुगतान के मामले में सहूलियत मिलेगी, आपके दिल को कुछ तसल्ली मिलेगी। क्या इम्पोर्टेंट वीडियो है, अभी कुछ ही सेकंड में स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि हमारी वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि अप्रैल में जो है बहुत कुछ संभव होने वाला है। हमने बताया भी था कि 16 अप्रैल को सहारा इंडिया का जो मामला है, सहारा इंडिया का जो भुगतान है, उसकी सुनवाई 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होनी है। डेट मिल गई थी, 16 अप्रैल को इसकी सुनवाई होनी है। तो उसी की एक वीडियो क्लिप है, कुछ इम्पोर्टेंट है, उसी से रिलेटेड है, उसको आप लोग सुनिएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हों या पहली बार विजिट किए हुए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, हम आपका समय न वेस्ट करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं और यहीं से जो है अपनी वीडियो को हम जो है स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हेलो। हाँ सर, प्रणाम। सर प्रणाम। सर प्रणाम। सर, हम बिहार से बोल रहे हैं सर। राजेश कुमार जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अभी मुझे कार्यकर्ता से बात करनी थी। पहले उत्तर प्रदेश के सुनील यादव, आज उनको टाइम दिया था लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। फिर 8-10 मोबाइल थे, उनमें आपका पहली बार मोबाइल आया हुआ बता रहा था मोबाइल जी। तो फिर मैंने किया है मोबाइल। बताइए सर, क्या हाल है सर? ठीक है, हाल वही पूछ रहे थे, पेमेंट के बारे में जानकारी लेना था। देखिए सर, इस समय हमारी ऐसे मान लीजिए अग्नि परीक्षा हो रही है और सही गलत का निर्णय हमारे वर्कर को करना है। इस समय मानते हैं भुगतान की समस्या, रोजगार की समस्या, एमआईएस की समस्या, ग्लोबल की समस्या, रेंटल की समस्या, सब कुछ है। लेकिन इस समय 100% जमाकर्ता और कार्यकर्ता, इनको प्रबंधन के सपोर्ट में खड़ा रहने की आवश्यकता है। सब बातों को बोलते हुए इस बात को पूरे देश को बताइए, क्योंकि जो लोग भुगतान के नाम पर आगे बढ़ रहे हैं वो अपने उद्देश्य से भटक गए हैं। पीड़ा होती है कि एक सेक्टर प्रबंधक के पद पर बैठा हुआ था, कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं हुए, फील्ड का कार्यकर्ता लेकिन उसी को ऊर्जा दिया गया, कोई बॉन्ड जारी नहीं किए, कोई सैलरी नहीं मिली, केवल इसलिए कि दरवाजा खोल के बैठा जाए ताकि कार्यकर्ताओं में प्राण मिले। लेकिन ऐसे हमारे अधिकारियों को टारगेट करते हैं, वीडियोग्राफी बनाते हैं, यूट्यूब पर गलत प्रचार करते हैं, भुगतान के नाम पर पूरे देश में लूट कसोट के समाचार मिल रहे हैं, कमीशनबाजी का खेल चल रहा है। कभी मुंह से यह नहीं निकलता कि सारा के काउंटर से भुगतान चाहिए। आप पूरा जमाकर्ता इस बात को चाहता है कि सारा का जमाकर्ता का भुगतान काउंटर से होना चाहिए, पोर्टल से नहीं होना चाहिए, सरकार के कोई काउंटर से नहीं होना चाहिए। पूरा देश का जमाकर्ता इस बात को चाहता है, वर्कर रोजगार चाहता है, लेकिन इन दोनों एजेंडे से भटकते हुए केवल एक ही उद्देश्य है, गिरफ्तार। स्टेटस लगा रहे हैं अपने हेड मोबाइल पर स्टेटस, उससे क्या हो जाने को पेमेंट हो जाएगा, पेड़ को ही काट दिया जाएगा, तो फिर आम कहां से खाएंगे। आज इस बात को लेकर के
जमाकर्ता और कार्यकर्ता को इस बात का मंथन करना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। जो संस्था युद्ध के मैदान में लड़ रही है, एक सेनापति युद्ध लड़ता है, पुराने पहले इतिहास में जो युद्ध हुआ करते थे घायल सैनिक हो जाते थे, तो हम घायल होते हुए संघर्ष कर रहे हैं और उनको बाधाएं पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे अधिकारी टारगेट, इसका मतलब क्या है सीधा सा, जमाकर्ता और कार्यकर्ता प्रभावित, उनका भविष्य अंधकार में, यही उद्देश्य है। बरगला रहे हैं, इनकी संपत्ति कुर्क हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये तो केवल शिकायतबाज बन गए, षड्यंत्र रचते हैं दिल्ली में बैठ करके, दोहरी कमाई कर रहे हैं, चारों तरफ हाथ मारने का काम किया जा रहा है। यूट्यूब से भी कमाई, आंदोलन से भी कमाई, जमाकर्ता से भी कमाई। जब ऑलरेडी देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में मामला चल रहा है और भारत सरकार उसमें काम कर रही है, जारी है वो प्रक्रिया, और अच्छा होगा आपके साथ, गलत नहीं हो सकता, क्योंकि सारा इंडिया परिवार ये 47 साल पुराना संस्थान है। लेकिन वो लोग कभी भी नहीं चाहते, जो संस्था देश के लिए समर्पित हो उसी संस्था को डैमेज कर रहे हैं। सर बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहां से बजेगी, बांस को ही काटने का काम किया जा रहा है। जमाकर्ता कार्यकर्ता संस्था के अहित में काम किया जा रहा है, जबकि 99% जमाकर्ता कार्यकर्ता इनसे हाथ है और उनका इनसे कोई संबंध नहीं है। इनको भुगतान लेना है कहीं भी जाइए, लेकिन हमारे जमाकर्ता कार्यकर्ताओं को बरगलाने का काम मत करिए, हमारे अधिकारियों को टारगेट मत करिए। इन यूट्यूब से, आंदोलन से आज हमारे कार्यकर्ता मर रहे हैं, कार्यकर्ता टेंशन में आ गया है, डरावने समाचार दिखाते हैं, गिरफ्तारी के समाचार दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं, हमारे अधिकारियों के वीडियो दिखाते हैं। केवल 24 घंटा दिमाग इस बात में लगाया जाता है कि कहां क्या हो रहा है, कौन सी तारीख है, कौन सा वकील है, क्या बात हो रहा है, कैसे फंसाया जाए, कैसे बुरा किया जाए। भुगतान किए, भुगतान से सरकार तक आवाज रखी है, हम भी रख रहे हैं, हमारा सकारात्मक कार्यकर्ता भी रख रहे हैं। आज हमारे पास कोई यूट्यूब नहीं है, हमारे पास कोई अध्यक्ष मंत्री नहीं है, कोई लेटरपैड नहीं है, कोई फंडिंग नहीं है, हम जमाकर्ताओं के लिए हमारे खून पसीने से मेहनत करके हम सरकार तक आवाज पहुंचा रहे हैं, निवेदन पूर्वक पहुंचा रहे हैं, संस्था के सपोर्ट में काम कर रहे हैं, जमाकर्ताओं के सपोर्ट में काम कर रहे हैं, और इसीलिए आज पूरा देश का जमाकर्ता उसको बहुत कुछ पीड़ित होते हुए, बीमार होते हुए भी आप लोगों को टारगेट नहीं कर रहा, ये सच्चाई है। है कुछ जगह, कुछ सारे जमाकर्ता समझदार नहीं है, बरगलाया जाता है। ये आंदोलन भुगतान के लिए हुए या हमारे वर्कर को मारने के लिए? सबसे ज्यादा वर्कर मध्य प्रदेश में मरे हैं, क्यों मरे हैं? बुरा करने के लिए ज्ञापन देते हैं। जो संस्था आज हमारा वर्कर रोजगार चाहता है, जितनी भी आपकी बाधाएं हैं, सब ये बाधाएं उत्पन्न करने वाले यही लोग हैं, हमारे वर्कर के पेट पे लात मारने का काम करते हैं, रोजगार बंद कराते हैं हमारा। अग्नि तपस्या हो रही है आपकी, आप टेंशन में, सबका इलाज एक ही है, डिजिटल अभियान। डिजिटल अभियान में आज वो ताकत है कि आपका कब्जा नियंत्रण देश के समस्त जमाकर्ताओं पर है, समस्त कार्यकर्ताओं पर है। ये डिजिटल वार है। आज जो हमारे भाई भटक गए वो 2-3 राज्यों से ज्यादा नहीं पहुंच पाए, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, बाकी महाराष्ट्र, पंजाब, वहां एंट्री नहीं हुई कई राज्यों में, तो हमने राजस्थान में भी एंट्री नहीं होने दी। तो इस समय हमको एकजुट रहने की आवश्यकता है और किसी पर आधारित रहने की आवश्यकता नहीं है। इस समय ऐसे मान लीजिए हमारा कोई नहीं है, सारा इंडिया परिवार और परिवार के सारे मेंबर, हम सब
सारी जिम्मेदारी हमारी है, प्रबंधन की भी सुरक्षा हम करेंगे, हमारे अधिकारियों की भी सुरक्षा हम करेंगे, हमारे कार्यालयों की भी सुरक्षा करेंगे, जमाकर्ताओं के हित की बात भी करेंगे। डिजिटल में वो ताकत है कि फिजिकल को चित कर दिया पूरी तरह से, किया कि नहीं किया सर, पूरे देश में आधा देश, देश की आधी आबादी बुलाने पर किसी आंदोलन में नहीं गई, अन्यथा तो 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ संख्या दिखाई देनी चाहिए। 4,000 नहीं होती है, 2,000 नहीं होती है, 500 नहीं होती है, केवल वही लोग जो कॉमर्शियल खाने से जुड़े हुए हैं, और कुछ हमारे बरगला करके चले जाते हैं, कुछ हमारे भाई देवने का ही काम करते हैं, उनकी आवाज, जबकि उनकी पूछो आप भुगतान कहां से जाते हो, काउंटर से, लेकिन वहां काउंटर की बात नहीं होती है, वहां तो डैमेज करने का काम किया जा रहा। संस्था की हत्या, कार्यकर्ता जमाकर्ता की हत्या, देश में अहित है ये, देश में अहित है। जो संस्था देश के हित के लिए काम समर्पित है, जिसका लाभांश देश के डेवलपमेंट में आता है, उसी संस्था के डायरेक्टर्स को कह रहे हैं इनकी संपत्तियां कुर्क करिए, इनको गिरफ्तार करिए। उससे क्या हो जाएगा, गिरफ्तार उसको कर लेगा तो क्या, ठग बता रहे हैं हमारे देशभक्त परिवार को, ठग बता रहे हैं। लेकिन आज झूठी शिकायतें ज्यादा टिक नहीं पाती है, 1% भी इनकी बातें जाती है, सरकार कभी कोई तवज्जो भी नहीं दिया सरकार ने, सरकार भी जानती है कि ये सारियन नहीं है, बरसाती मेंढक है, जो सरकार ने कोई बुलावा नहीं दिया, भारत की राजधानी में कोई टेबल टॉक नहीं हुई, कोई इनका कोई ज्ञापन असर नहीं किया, सरकार जानती है। जो संस्था देश में काम कर रही है उसी को टारगेट, ये तो देशद्रोही का काम है, देश के अहित में काम हो रहा है। जो 15 लाख वर्कर को रोजगार दे रही थी उसी संस्था की शिकायत, उसी के डायरेक्टर की गिरफ्तारी, इसका परिणाम ध्यान है किसी को? अगर उनके मंसूबे पूरे हो जाएं, वो चाहते हैं उसी दिन लाखों कार्यकर्ता मारे जाएंगे, ये कार्यकर्ताओं को मौत के मुंह में धकेलना चाहते हैं, देश में माहौल खराब करना चाहते हैं। आज वो सरकार विरोधी ट्वीट करते हैं, और हमारा वर्कर कभी कभी बरगला जाता है, ये सरकार नहीं होती आपका वजूद दिखाई नहीं देता, आपका गला बोर्ड दिया गया था, याद करिए उन दिन, आपका पैसा भी छीन लिया, आपके अचल संपत्तियां भी ब्लॉक हो गई, राशन पानी सप्लाई कट कर दी गई, सारा शरीर जी को अंदर फिट कर दिया गया। लेकिन ये तो इस संस्था की जड़ें इतनी गहरी थी कि इसका कोई बुरा नहीं कर पाया। इसलिए इस समय मोबाइल को भूल जाइए, अधिकारियों को मोबाइल करना भूल जाइए, जमाकर्ता को फेस करना सीखिए, रात्रिकालीन मीटिंग से जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और रणभूमि में कूदिए, निवेदन पूर्वक सरकार से, यही सरकार आपको प्लेटफार्म पर लाएगी। सबको पता है कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि न्यायपालिका, सरकार और प्रबंधन तीनों की ये मानसिकता है कि सारा को प्लेटफार्म पर लाया जाए, वापस दौड़ाया जाए। लेकिन ये बाधक गलत कर रहे हैं, ये संस्था को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन सरकार भी अपना धन्यवाद देता हूँ तो सरकार कर रही है को, जो हमारी रक्षा कर रही है। आज तक हमारा वर्कर कभी सड़क पर नहीं गया, इस परिवार के वर्कर मारे गए, हजारों लाखों कंपनियां गई, किसी में वर्कर इतने मरे, हमारे हजारों की संख्या में मारे गए, जमाकर्ता भी मारे गए, कार्यकर्ता भी मारे गए। हमारा पॉजिटिव वर्ग नहीं होता तो आज जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं की मरने वालों की संख्या 1 लाख होती, हजारों लोगों को अटैक आता, मेरी आवाज सुन सुन करके जिंदे हैं, उनको दुख है इस बात का। ये जो सारा के ठेकेदार बने हुए हैं, ये हमारा पैसा डुबाना चाहते हैं, देश के बड़े बड़े जमाकर्ताओं को नुकसान है। मेरे पास मोबाइल आते हैं सामर लेक से, शरद शर्मा सर, ये यूट्यूब देश में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, ये हमारे धन को डुबोना चाहते हैं, हमें सारा प्रबंधन पर भरोसा है, आज देश का जमाकर्ता इस बात को कह रहा है, लेकिन एक व्यावसायिक विवाद बना लिया। इसलिए इस समय आप लोगों को कदम फूंक फूंक करके चलना है, एकजुट रहना है, जमाकर्ताओं को बताइए किसी के बरगलाने की आवश्यकता नहीं है,
सारा समूह भुगतान देने के लिए वचनबद्ध एवं संकल्पित है और दरवाजा खोल करके बैठा होगा। अंतिम सांस तक हमारा संघर्ष करेगा, हमारा वर्कर संघर्ष करेगा। अभी आप चिंता मत करिए, हम विजय होंगे। मानता हूं आपको बहुत परेशानियां हो रही है, घबराना नहीं है। आजादी का युद्ध भी कितने दिन चला था, तो आप इस समय आप ऐसे समझ लीजिए सारा के सैनिक हो और इस मारूपी संस्था की आपको आजादी की लड़ाई लड़ दी। दोस्तों, आप लोगों ने हमारी वीडियो का क्लिप तो देख ही लिया होगा, इससे कुछ ना कुछ अंदाजा तो लग ही गया हुआ होगा और आपके मन में जो है कुछ न कुछ मोटिवेशन जरूर आया हुआ होगा। काफ़ी दिनों से कोई इम्पोर्टेंट अपडेट नहीं आ रही थी, तो इससे आपको साबित हो गया है कि अप्रैल में कुछ बड़ा संभव होने वाला है भुगतान को लेकर। इसीलिए हमने सोचा आज के इस वीडियो में एक क्लिप के माध्यम से आप सभी को दिखा दें। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जो है हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहेंगे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, जय जवान, जय किसान।